हेलो एवरीवन, मैं हूं काश फ्रॉम वेब बेसिक्स। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिक्स विंडो सिक्योरिटी सर्विस एंड डिफेंडर नॉट वर्किंग इन ऑन विंडोज 10 और 11। तो सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक बार अपने सर्च बार पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे विंडोज़ सिक्योरिटी। तो गाइस, जैसे कि हम दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है विंडोज़ सिक्योरिटी। एक बार यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम ऐप सेटिंग्स ओपन करेंगे। ऐप सेटिंग्स ओपन करने के बाद गाइस, हमें यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है। एक बार इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा रीसेट पे क्लिक करेंगे एंड इसको अब हम रीसेट करेंगे। तो गाइस, जैसे कि हमें दिख रहा है रीसेट कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको क्लोज करेंगे एंड चेक कीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, एक बार अपने सर्च बार पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे सर्विसेस। तो गाइस, ये वाली एक बार आप ओपन करेंगे। तो गाइस, जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारा ये ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सिक्योरिटी सेंटर। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड एस की तरफ मूव करेंगे। तो गाइस, जैसे कि हमने देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे ढूंढ लिया सिक्योरिटी सेंटर। एक बार राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। तो गाइस, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिकली डिलीट स्टार्ट है एंड यहाँ पे सर्विस स्टेटस रनिंग है। तो गाइस, ये अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपका सर्विस स्टेटस रनिंग है या स्टॉप्ड है। तो अगर आ गाइस, अगर रनिंग है तो ठीक है, अगर ये सर्विस स्टेटस आपका स्टॉप है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट सिंपली इसको ओके करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड मैं आप डिस्क्रिप्शन में एक ही लिंक छोड़ दूंगा, ये वाला। आप इस पे जाइए एक बार एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस फॉर विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1 एंड विंडोज़ सर्वर। ये एक बार जाके डाउनलोड कीजिए जो भी आपका वर्जन है। तो अगर आपको अपना वर्जन चेक करना है तो एक बार यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कीजिए, दिस पीसी पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। तो गाइस, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका सिस्टम टाइप क्या है, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32-bit है, तो उसके हिसाब से ही आप डाउनलोड कीजिए। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ एंड वापस जाएंगे अपने ब्राउज़र की तरफ। तो गाइस, जैसे कि हमने देखा हमारा जो सिस्टम है 64-bit है, तो मैं एक बार 64-bit पे क्लिक करूँगा, इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं, सेव। तो गाइस, ये डाउनलोड हो गई है फाइल हमारी। एक बार इसको ओपन करेंगे तो गाइस, ये ओपन होके अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको रन करना है, वो हो जाएगा। एंड तो गाइस, अब थोड़े से हमें चेंजेस करने हैं अपने रजिस्ट्री एडिटर में। तो अब हम क्या करेंगे, सर्च बार पे जाएंगे या अपन यहाँ पे हम टाइप करेंगे REGEDIT। तो गाइस, जैसे कि हमने टाइप किया है यहाँ पे हमें दिख रहा है रजिस्ट्री एडिटर। एक बार इसको ओपन करेंगे, यस। तो गाइस, यहाँ पे अब हम जाएंगे अपना एच की लोकल मशीन पे, उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम पे, उसके बाद हम जाएंगे करंट कंट्रोल सेट पे एंड उसके बाद सर्विसेज पे। तो गाइस, यहाँ पे हमें बहुत सारी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फाइंड करेंगे यहाँ पे WSC SVC। तो एक बार मैं यहाँ पे W प्रेस करूँगा ताकि हम W पे चले जाएँ एंड यहाँ पे अब हम फाइंड करते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं हूँ काश फ्रॉम वेब बेसिक्स। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, हमें ये मिल गया हमारी फाइल जो हम चाह रहे थे, WSC SVC। एक बार देख लिया हमने 11। अब इसके राइट की तरफ हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टार्ट और 11। एक बार स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर। तो गाइस, हमें यहाँ पे इसके वैल्यू डेटा दिख रहा है 2। तो गाइस, आप पे आपको कुछ भी दिख रहा हो 1, 2, 3, 4,
तो आप उसको क्या कीजिए, आप उसको डिलीट कीजिए एंड यहाँ पे जीरो सेट करिए एंड ओके पे क्लिक कीजिए। तो गाइज अब ये क्लोज करेंगे एक बार। तो गाइज अब अपना पीसी रीस्टार्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं। आई एम श्योर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको ये वीडियो हेल्प किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।